Hello everyone, I, Janice Kuju, on behalf of College Duniya, welcome you all to this new episode of Thoughts on Education, an initiative by collegeduniya.com. Today we have with us Mr. S.K. Upadhyay, Principal of Ambition Institute of Technology, Varanasi. A very warm welcome to you, sir. Thank you, madam. Okay. Very, very thank you. सर आपने बहुत सारे हाई पोजीशन में रहे हैं, आप अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, तो ऐसी क्या चीज है, ऐसा क्या फैक्टर्स है जो आपको एजुकेशन सेक्टर से कनेक्टेड रहता है? आप ऐसा क्या करते हैं या व्हाट डू यू थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू कनेक्ट टू एजुकेशन सेक्टर? देखिए, पहली चीज तो यह है मैडम कि हम लोग जो जिस सेक्टर में हैं, इस सेक्टर में सबसे इस फील्ड का एक फायदा ये है कि हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, यानी हमें हर दिन एक नया नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हम उन चीजों को अपने बच्चों से या अपनी चीजों को बच्चों तक पहुंचाने में कामयाब रहते हैं जो हम चाहते हैं, ताकि इस शिक्षा के माध्यम से समाज में बदलाव लाया जाए। ओके, ऑलराइट सर, एज अ प्रिंसिपल ऑफ एम्बिशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप कैसे मैनेज करते हैं अपनी टीम को? आपका लीडरशिप स्टाइल कैसा है? देखिए मैडम, दो चीज है। जैसे हमें लीडरशिप में दो चीज का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे यू नो, आप जानती होंगी कि प्रिंसिपल एक ऐसी पोस्ट है जो हम ब्रिज का काम करते हैं, टीचर एज वेल एज मैनेजमेंट। तो हम उन सारी चीजों का ख्याल रखते हैं कि इधर अपने टीचर को भी मोटिवेट करें, डिसिप्लिन में रखें, शिक्षा के प्रति उनके मनोबल को बढ़ाते हुए बच्चों के प्रति काम को आगे बढ़ाएं, और मैनेजमेंट का जो हमारे मतलब एम्बिशन है या जो चाहत है कि कॉलेज को ऊंचाइयों तक ले जाया जाए, उस दिशा में भी काम करते हुए हम लोग अग्रसर, ताकि हमारा जैसे एज ए ब्रिज मतलब एजुकेशन सेक्टर में अब जैसे हम लोग काम करते हैं, इसमें क्या है कि बच्चों के प्रति लॉयल्टी हमारी सबसे फर्स्ट है, क्योंकि बच्चा अगर एजुकेटेड होगा हमारा और वेल एजुकेटेड होगा, थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल, तो बच्चा हमारा मार्केट में वो सब कुछ करेगा जो कि उसको जरूरत के हिसाब से चाहिए। ओके जी। और बच्चा जब कुछ अच्छा करेगा मार्केट में तो अपना तो वो करेगा ही अच्छा, साथ में समाज को भी एक वो कुछ नया चीज देगा जिसको समाज को जरूरत। जी जी जी, क्योंकि वी आर इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो टेक्निकल एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंट है ये आप समझिए कि समाज में बिना टेक्निकल एजुकेशन को आगे बढ़ाए समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं एज ए प्रिंसिपल यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन को थियरी प्रैक्टिकल्स यानी हर चीज में बच्चे को, फैकल्टी को, सारे चीजों का सामंजस्य बनाते हुए आगे बढ़ते थे। यही कारण है कि हम लोग अपने एजुकेशन सेक्टर में मैं सक्सेस रहा हूँ। सर थोड़ा अपने कॉलेज के बारे में बताइए कि कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं बच्चों के लिए। जी, मैं पहले अपने कॉलेज के बारे में आपको ये बता दूं कि एम्बिशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूपी का नंबर वन इंस्टीट्यूट है एज पर एस्पेक्ट ऑफ बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के रिजल्ट का। जैसे जो टॉपर की लिस्ट घोषित होती है जो बोर्ड की 2014 टू टिल नाउ, 2016 से लेके आज तक हमारे मिशन के बच्चे टॉप 10 में 3 बच्चे रहते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक। इसके अलावा एक लिस्ट तैयार होती है यहाँ पे ब्रांच वाइज टॉपर, जिसमें पिछले वर्ष हमारा इलेक्ट्रिकल का टॉपर मयंक सिंह बच्चा था, फर्स्ट रैंक इन यूपी। फैशन डिजाइनिंग में बच्ची हमारी जो थी वो भी फर्स्ट रैंक थी इन यूपी। मैकेनिकल में थर्ड रैंक था उज्जवल कुमार, एक बच्चा था इन यूपी।
यानी हमारे कॉलेज के 6-7 बच्चे 2016 से आज तक टॉपर में रहे और मेरे यहाँ प्रोग्राम्स जो चलते हैं 9 स्ट्रीम में चलते हैं। 9 स्ट्रीम में हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग करवाते हैं जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड फाइनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी 9 स्ट्रीम में हमारे यहाँ बच्चों को डिप्लोमा करने का अवसर मिलता है। सर, ये सारे कोर्सेज के लिए मार्केटिंग करने के लिए आप क्या करते हैं? पहले तो हम लोग मार्केटिंग करने के लिए, देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले शिक्षा पे जो उच्च गुणवत्ता परक शिक्षा यानी हाई क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को देते हैं। तीसरी चीज हम लोग बच्चों को इस काबिल बनाते हैं, जैसे इंडस्ट्री विजिट कराते हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कराते हैं, और प्लेसमेंट में हमारे यहाँ जानी मानी कंपनियां आती हैं जिसमें बच्चे प्लेस होते हैं, जैसे मिंडा, बजाज, ग्लोबस ऑटोटेक, इस टाइप की कंपनियां आती हैं जिसको कि हम लोग बच्चों को प्लेस कराते हैं। तो हमारा पहला पब्लिसिटी माउथ पब्लिसिटी, जिससे बच्चे क्या है कि बच्चे बच्चों को ही बताते हैं। दूसरा हम लोग फेसबुक, ट्विटर, आपका पेपर यानी प्रिंट मीडिया जिसको आप कहती है, इन सब का सहारा लेके और इंटर कॉलेजों में हम लोग जागरूकता अभियान चलाते हैं। जैसे इंटर कॉलेज के बच्चों को अपने यहाँ बुलाते हैं, 12th के 10th के, उनको विजिट कराते हैं, जिनको हम लोग नाम दिए हैं अवेयरनेस, टेक्निकल एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम। इसके तहत हम इंटर कॉलेज के बच्चों को बुलाते हैं और उनको हम लोग कॉलेज विजिट कराते हैं, चीजों से अवेयर कराते हैं। तो इस तरह हमारा मार्केटिंग का वर्क 12 महीने चलता रहता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कैसे होता है बच्चों को? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को, जैसे इंडस्ट्री में पहले हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के लोग विजिट करते हैं, कंपनियों से टाई अप है हमारा, गाजियाबाद, नोएडा, इवन की बॉम्बे में भी हम लोगों का टाई अप है, और हमारा खुद का भी इंडस्ट्री है, हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर का बिजनेस है, उसमें भी हम बच्चों को टाइम टू टाइम जब जरूरत होती है, एक तो बच्चों को ट्रेनिंग के लिए इंडस्ट्री में भेजते रहते हैं और बच्चे टाइम टू टाइम विजिट करते हैं। जैसे सिविल इंजीनियरिंग का है तो उनको जो बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, जो पोर्ट बन रहे हैं, वहां पे हम लोग अपने बच्चों का विजिट कराते हैं और बच्चे इस तरह इंडस्ट्री विजिट करके इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से एजुकेशन को हम लोग मॉडिफाई करते हैं। सर, हमारे देश में, हमारे शहर में कई वर्ग के लोग हैं, तो जो स्टूडेंट्स जो आर्थिक जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनके लिए क्या कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम है या कैसे एडमिशन में हेल्प हो सकती है? हाँ जी जी जी, आपको एक चीज आज बता दें मैडम, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, ये हम लोग बताना भी चाहते हैं, क्योंकि इस चीज का बहुत मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, ये सोशल वर्क है। तो जैसे हमारे यहाँ जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको हम लोग फ्री ऑफ कास्ट एक तो पढ़ाते हैं, पहला उनसे कोई फीस नहीं ली जाती उनको। हाँ ये है कि आर्थिक रूप से कमजोर हो और पढ़ने के इच्छुक, जब उनकी इच्छा पढ़ने की होती है, हम लोगों को लगता है कि नहीं ये पढ़ने की इच्छुक हैं और ये पढ़ेंगे तो उनसे कोई फीस नहीं ली जाती, एक तो ये स्कॉलरशिप हम लोग प्रोवाइड करते हैं। दूसरा स्कॉलरशिप हम लोग देते हैं, जैसे कोई सैनिक है हमारा जो देश सेवा कर रहा है, उनको भी हम लोग फीस में काफी डिस्काउंट देते हैं, या उस तरह की स्कॉलरशिप दे के उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप टेक्निकल एजुकेशन लीजिए। तीसरी चीज आपको बताएं सबसे इम्पोर्टेंट, कि जैसे हमारे यहाँ कोई बच्चा सपोज करिए कि एडमिशन ले लिया, मान लीजिए उसकी आर्थिक स्थिति ठीक थी,
लेकिन एडमिशन ले लिया। बाय द वे, भगवान न करे अगर उसके गार्जियन के साथ कोई हादसा हो जाता है या गार्जियन नो मोर मतलब नहीं रहे, यानी उसकी फीस भरने की क्षमता खत्म हो, अब वो नहीं दे सकता क्योंकि गार्जियन नहीं है उसके। तो एडमिशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ये पॉलिसी रहा है मैडम कि उनसे हम कोई भी फीस नहीं लेते पूरे जब तक कि वो हमारा स्टूडेंट रहेगा, वो स्कॉलरशिप 100% जितनी भी उसकी फीस होगी वो एम्बिशन ट्रस्ट उसको प्रोवाइड करता, उसकी फीस की भरपाई करता। चौथा और लास्ट, हम लोग बच्चों को पढ़ने के लिए, जैसे मान लीजिए आर्थिक रूप से कमजोर को तो देते हैं, हम पढ़ने में उन बच्चों को भी आर्थिक सहायता देते हैं जो पढ़ने में अच्छा है। जैसे सपोज कर लीजिए कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, मोर देन 75% मार्क्स लाता, उसको हम लोग एक स्कॉलरशिप डिसाइड है कि जैसे अगर 75 लाया तो हम उनको 10,000 की स्कॉलरशिप देंगे पर ईयर, 80 लाया तो 15,000 के देंगे, 85 लाया तो हम उसको 20,000 का देंगे, 85-90 अगर लाता है तो वो बच्चे का फिर फ्री ऑफ कास्ट हो जाता है, मतलब फिर उस बच्चे से हम लोग कोई भी शुल्क नहीं लेते। ये हमारा गरीब और टैलेंटेड बच्चों के लिए योजना। सर, एज अ प्रिंसिपल कॉलेज के लिए आपका रोल्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है? देखिए, हमारा एज ए प्रिंसिपल रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि पहला तो डे बाई डे जो भी हमारे छात्रों की समस्या है, यानी जो भी स्टूडेंट प्रॉब्लम्स है, वो मिनिमाइज किया है। जैसे आप देखती होंगी या सुनी होंगी कि कॉलेजों में रिजल्ट अधूरा है, किसी का MW है, या मतलब इस तरह के रिजल्ट जो है वो अपूर्ण है और बच्चे दौड़ते रहते हैं। तो मेरा पहला प्रायोरिटी रहता है कि बच्चों का जो रिजल्ट है, जो त्रुटिपूर्ण रिजल्ट है, इसको मिनिमाइज करके जीरो किया जाए। अभी तक मेरा यही पॉलिसी रहता है। दूसरा रहता है कि बच्चों का कैरी ओवर पेपर, यानी CP0, यानी जब बच्चा हमारा फर्स्ट ईयर पास हो तो उसके पास कैरी ओवर पेपर 0, यानी CP0 पे भी मेरा काम चलता। दूसरा, उसको क्वालिटी एजुकेशन मिले, यानी जो हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चे को, वो पढ़ाई बच्चों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। इन सेंस का मतलब हुआ जैसे ट्रांसमीटर की तरह टीचर ट्रांसमिट किया कोई चीज लेक्चर, और वो बच्चा हमारा एक रिसीवर है, अगर उस रिसीव नहीं कर पाए, इसका मतलब कि हम लोगों में कहीं ना कहीं उसको सुधार की जरूरत है। तो हम लोग इस पे भी फोकस रखते हैं कि जो हम क्लास में लेक्चर ले रहे हैं हमारे टीचर, वो लेक्चर बच्चे तक पहुंचे और बच्चा हमारा उसको समझे, प्लस कमजोर बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं, मेरा जो पॉलिसी है मतलब आइडेंटिफाई करवाते हैं कि ये बच्चा इस सब्जेक्ट में वीक है। तो उन बच्चों जो आइडेंटिफाई स्टूडेंट होते हैं, जो वीक सेक्शन में आ जाते हैं, उनको हम अलग से क्लास चलाते हैं और उनको इस काबिल हम लोग बनाते हैं या हम बना लेते हैं। अभी तक हमारा ये विश्वास कामयाब रहा है कि वो बच्चे आने वाले एग्जाम में पास कर जाते हैं। हॉस्टल में उसी बच्चे को समस्या है पढ़ाई से रिलेटेड, तो मेरा ये कहे प्रिंसिपल रोल रहता है कि हमारे बच्चे को पढ़ाई के लिए कहीं इधर उधर न भटकना, तो हॉस्टल में भी हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेज की व्यवस्था रखते। हमारा सारा फोकस उनके थियरी, प्रैक्टिकल, रिजल्ट, और आप ये कह सकती हैं कि CP0 रिजल्ट, प्लस बच्चे को मोटिवेट करना कि अगर वो एजुकेशन अच्छा लेगा, परसेंटेज अच्छा आएगा, तो उसको और समय समय पे आए। जो प्रिंसिपल हमारा ये रोल रहता है कि हम लोग जितने भी हाई क्वालिटी डिग्निटी, जैसे IIT से है और आपका जो अच्छे कॉलेजेज हैं वहाँ से, अच्छे कॉलेजेज मतलब IIT लेवल, वहाँ से हम लोग, या कोई ऐसा है जो पद्म विभूषण है, इस तरह के लोगों को बुला के बच्चों को
मोटिवेशनल स्पीकर भी मतलब हम लोग बुलाते हैं और बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि बच्चे को ये ना लगे, मतलब बच्चे का सामाजिक विकास भी होना चाहिए। एक अच्छा टेक्निकल टेक्नोक्रेट तो बनेगा ही बनेगा, साथ में उसका सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उसको जिम्मेदारियों का भी एहसास होना चाहिए कि माँ के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, पापा के प्रति क्या है, समाज के प्रति क्या है, यानी जो समाज ने उसको कुछ दिया है वो भी ये सीखे कि हमको जब कुछ बन जाएंगे तो समाज के प्रति भी कुछ करना है, यानी समाज को भी हमको कुछ न कुछ देना है। दैट इज द आवर मोटो एज ए प्रिंसिपल, ये मेरा मोटो है। सर, एम्बिशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स क्या प्रायोरिटी की चीजें हैं? जी, नेक्स्ट 10 ईयर का हम लोगों ने प्रायोरिटी ये रखा है कि कॉलेज जहाँ पर है, हम लोग चाहते हैं कि आज यूपी लेवल का हमारा नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हम लोग कई, जैसे MBA एक्रीडेशन है उसको हम आने वाले 1 साल के अंदर ही MBA एक्रीडेशन को प्राप्त कर लेंगे, हम उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करने लगेंगे। और आने वाले 10 ईयर में ईयर बाई ईयर हम चाहते हैं कि एम्बिशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम इंडिया में जाना जाए एक अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए। क्योंकि देखिए, एम्बिशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैंने पहले ही बताया कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन पे बहुत ध्यान देते हैं, क्वांटिटी एजुकेशन पे कम ध्यान देते हैं। तो आने वाले 10 साल में हम लोग चाहते हैं कि एम्बिशन उन ऊंचाइयों को टच करे, जिन ऊंचाइयों को टच करने के बाद हर कोई ये कहे, यानी यूपी तो कह ही रहा है लेकिन पूरा इंडिया हमारे यहाँ जाने, पैन इंडिया, कि नहीं, एम्बिशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक संस्थान है जो बनारस उत्तर प्रदेश में है और उनके यहाँ ये चीजें होती है। जी सर, जब आप फर्स्ट टाइम आए थे एम्बिशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, आपका क्या विजन था, एज इन आपने क्या सोचा था कि मैं कॉलेज की प्रगति के लिए क्या करूंगा, कैसे वो विजन आपका चेंज हुआ एंड आप कितने सक्सेसफुल हुए इम्प्लीमेंटेशन में? देखिए मैडम, मैं तो असल में, मेरा जो नजरिया था, मैं NCR में था, आपको टू बी वेरी फ्रेंड बताऊं, मैं वहां 18 साल रहा। जब मैं वहां से बनारस शिफ्ट होने के लिए सोचा तो मैं कई जगह गया, देखा, फिर एम्बिशन इंस्टीट्यूट में जब मैं आया, टू बी वेरी फ्रैंक मैं बता रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम जब मैं आया तो मुझे लगा कि नहीं, कोई कॉलेज है जहाँ पे कि वर्क किया जा सकता। देखिए, कॉलेज में वर्क करने के लिए क्या चाहिए, आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए, फैसिलिटी चाहिए और मैनेजमेंट का सपोर्ट चाहिए जो आप करना चाहते हैं। जैसे हम कोई चीज इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं इन द फेवर ऑफ स्टूडेंट, वो अगर हम करना चाहते हैं, मैनेजमेंट हमारा उसको कहता नहीं, आप करिए, हम लोग आपके साथ, तो हम उसको करते हैं। हो सकता है कभी सक्सेस न भी हो, ये भी होता है। इसके बावजूद हमारे मैनेजमेंट ने हमको हमेशा ये कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप ये एक्सपेरिमेंट करिए, अगर बाई दवे हम कई जगह फेल भी हुए, हम लोगों ने देखिए, चूंकि फेल्योर ये नहीं होता है कि फेल्योर हो गया, मैं जो मानता हूं आप भी शायद जानती होंगी कि फेल्योर क्या है, कि सक्सेस होने का एक रास्ता है, अगर आदमी फेल नहीं होता तो सक्सेस क्या होता है, कभी नहीं जाते। तो हम लोगों ने चीजों से सीखा, उसको करेक्ट किया धीरे धीरे, और करेक्शन करते करते आज हम लोग इस मुकाम पे हैं कि आपके सामने हम ये कह सकते हैं कि एम्बिशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक उत्तर प्रदेश का, एक पूर्वांचल का या पश्चिमी यूपी का, मतलब पूरे प्रदेश का जाना माना नाम है। टेक्निकल एजुकेशन में बड़े ही गर्व से हमारा नाम लिया जाता है। अगर आपको स्टडी करना है, क्वालिटी एजुकेशन, प्लेसमेंट, इंडस्ट्री विजिट, और आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए, तो आप एम्बिशन में एडमिशन लीजिए और आपको सारी चीजें एक साथ, एक जगह, एक ही प्लेस पे प्राप्त हो जाए।
और हम लोग इस मिशन में आज हमको लगता है कि कामयाब हैं और हम लोगों का नाम है इस पोजीशन पे कि हम लोग इसको कह सकते हैं कि हम लोग अपने विजन और मिशन यानी जो विजन किया है उस मिशन को हम लोग कामयाब करते जा रहे हैं डे बाय डे। सर अब तक आपका बिगेस्ट चैलेंज क्या रहा है इन दिस इंस्टीट्यूट मे बी रिलेटेड टू हायर एजुकेशन या फिर विद इन द कॉलेज आपने कोई चैलेंज फेस किया है एंड कैसे आपने उसे सॉल्व करने की कोशिश करी? देखिए यहाँ एक हमें जो चैलेंज सबसे ज्यादा मिला मैडम यहाँ पे सबसे ज्यादा जो चैलेंज था वो था कि बच्चों का परफॉर्मेंस कैसे हम लोग सुधार। ठीक है जैसे होता क्या है कि बच्चे पास तो हो जाते हैं लेकिन आपको ही मालूम होगा कि आज के जमाने में जहाँ पे परसेंटेज की बहुत वैल्यू है अगर केवल हम पास परसेंटेज पे ध्यान देंगे तो उस ओर हम लोग कदम नहीं बढ़ा पाएंगे वो सक्सेस नहीं मिलेगी जो सक्सेस की जरूरत। तो हमारा यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम बच्चों के रिजल्ट को इम्प्रूव करें यानी कि रिजल्ट हमारा कैसे और अच्छा हो और इसमें हम कामयाब रहें। और आज हमारा आपको बताया जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कि हम लोग आज एम्बिशन के बच्चे हमारे पिछले 4-5 वर्षों से पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करते आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज था इम्प्रूवमेंट ऑफ रिजल्ट और बच्चों को सही गाइडेंस देना। जैसे कोई बच्चा हायर एजुकेशन में जाना चाहता लेकिन बच्चा जानता नहीं कि कहाँ जाए कैसे जाए कौन सा फील्ड हमारे लिए अच्छा होगा तो बच्चों के कंफ्यूजन को क्योंकि देखिए पूर्वांचल में बहुत वैसा नहीं होता यहाँ उस कंफ्यूजन को बच्चों को हम लोगों ने हमने दूर किया कि नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और क्या बच्चों के लिए अच्छा हो सकता है बच्चों को हमने बताया और बच्चे हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में भी हैं और अच्छे अच्छे जगह ये चैलेंज हमने फेस किया और इसको दूर किया। सर अभी यूथ को और एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं यूथ को ये या एस्पायरिंग स्टूडेंट जो हमारे हैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि बच्चे टेक्निकल एजुकेशन से जुड़कर वो सारी चीजें हासिल कर सकते हैं जो एक प्लेन एजुकेशन को जिसको बच्चे मानते हैं नॉर्मल एजुकेशन से कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताऊं एक चीज बहुत लोग कहते हैं कि बीटेक करके हम क्या करें या मतलब डिप्लोमा कर टेक्निकल एजुकेशन से हम लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा लेकिन आपको मैं बताऊं टेक्निकल एजुकेशन का बच्चा वो सारा सब कुछ कर सकता है जो एक प्लेन एजुकेशन का बच्चा करता है और टेक्निकल एजुकेशन का बच्चा अपने फील्ड में जो करेगा वो प्लेन एजुकेशन वाला बच्चा नहीं कर पाएगा। और दूसरा चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि टेक्निकल एजुकेशन वो एजुकेशन है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और बच्चे वो सारी चीजें प्राप्त करेंगे जो प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। और जो भी काम करें हमारे बच्चे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप टेक्निकल एजुकेशन ही करो या ना करो करो लेकिन जहां भी आप करें चैंपियन की तरह यानी जिस फील्ड में भी आप जाएं जिस ब्रांच में जाएं जिस लाइन में आप जाएं उसमें आप अपना बेस्ट दीजिए 100% दीजिए और जब 100% दीजिए तो आई थिंक कि आप 100% सक्सेस। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे हमारे विजिटर्स को अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए। आई एम श्योर वो बहुत सीखने को मिलेगा आपकी कॉलेज के बारे में साथ ही साथ आपके विजन जानने के लिए एंड आई एम श्योर मेनी पीपल विल बी इंटरेस्टेड नाउ टू इनरोल फॉर एम्बिशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच। आई होप सो एंड वेरी वेरी थैंक यू।